पाकिस्तान ने, कुदरत ने पाकिस्तान को अपनी फैयाजियों से बहुत नवाजा। इमरानियात के तालिब इल्म कहते हैं कि अगर किसी मुल्क को देखना हो कि उस वो कितना अमीर है, खुदा का कितना करम है उस मुल्क पर, तो ये पूछे कि क्या उस मुल्क के पास समुंदर है। पाकिस्तान के पास समुंदर है। फिर वो कहते हैं ये देखें उसके पास पहाड़ हैं, दुनिया की 8 खूबसूरत तरीन और बुलंद तरीन चोटियों में से 6 पाकिस्तान के पास हैं। फिर कहते हैं क्या उसके पास रेगिस्तान है, हमारे पास थर का रेगिस्तान है, चोलिस्तान का रेगिस्तान है। फिर पूछते हैं कि क्या उसके पास मैदान भी है, पाकिस्तान का 40% रकबा मैदानी है। गोया देने वाले ने अपनी फैयाजियों में हमारे लिए कमी नहीं की। पानी यहां आके मरा कि हम अच्छे वारिस साबित ना हो सके। हमें कोई जीनियस लीडर नहीं मिला। आज लोग 2 सड़कें बना के, 4 पुल बना के, 2 तालाब बना के और बड़े फखर से अखबारात में तस्वीरें छपवाते हैं और बड़े बड़े बयानात देते हैं। मैं आपसे गवाही से पूछता हूं कि मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में, मक्का में कितने पुल बनाए थे, कितनी सड़कें बनाई थी? कोई पुल नहीं बनाया, कोई सड़क नहीं बनाई। क्या बनाया? कौम बनाई। जब कौम बन जाती है, पुल खुद बन जाते हैं, सड़कें खुद बन जाती हैं।